हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप जीके पढ़ना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 30 इंटरेस्टिंग जीके के सवाल पूछूंगी और उसके साथ में जवाब भी बताऊंगी। उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को भी दबा दें, क्योंकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में पूछा गया सवाल था, राम भगवान की माता जी का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब दिया है प्रेम मिश्रा, सृष्टि कुमारी, मनोज कुशवाहा, सुधा देवी, तनु तोमर, केशव कुमार, साहू द्रोमनी, गंगा कुमार, ज्योति गुप्ता, नीतू संजय, तिलक यादव, जिगर गुनेवा। दोस्तों, इनको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल नंबर फर्स्ट है, ऐसी क्या चीज है जो हमें सबकी दिखाई देती है लेकिन खुद की नहीं? सही जवाब हो जाएगा गलती। सवाल नंबर दो है, ऐसा क्या है जिसे काटने के बाद आप गाना गाने लगते हैं? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सही जवाब हो जाएगा बर्थडे केक। सवाल नंबर तीन है, ऐसा क्या है जिसे हम सब लोग अंधेरे में ही करते हैं? सही जवाब हो जाएगा रोशनी या उजाला। सवाल नंबर चार है, आदमी की कौन सी चीज हमेशा बढ़ती रहती है, यानी कि मनुष्य की कौन सी चीज हमेशा बढ़ती रहती है? सही जवाब हो जाएगा उम्र। सवाल नंबर पांच है, विश्व में सबसे बड़े बंदर कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब पश्चिम अफ्रीका में। सवाल नंबर छह है, ऐसा कौन सा फल है जिसके पेट में दांत होते हैं? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। सही जवाब हो जाएगा अनार। सवाल नंबर सात है, वह कौन सा कबूतर है जिसकी छाती पर लाल धब्बा होता है? दोस्तों, जीके स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर भी जाके फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा लोजान कबूतर। सवाल नंबर आठ है, किस देश में काला मुर्गा पाया जाता है? सही जवाब इंडोनेशिया देश में। सवाल नंबर नौ है, पाकिस्तान में फौजी की एक महीने की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी जाके फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। सही जवाब हो जाएगा 17,000 रुपये। सवाल नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, जिगर स्टडी अड्डा ब्लॉग्स को भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, मैं उस पर ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा, उसके बाद आपको हैशटैग लगा के अपना जवाब लिखना है, तभी आपका नाम लिया जाएगा अगली वीडियो में। सवाल नंबर 11 है, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पानी पीता है? सही जवाब हो जाएगा ब्लू व्हेल। सवाल नंबर 12 है, भारत के अलावा कमल किस देश का राष्ट्रीय फूल है? दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। सही जवाब हो जाएगा वियतनाम देश का। सवाल नंबर 13 है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो टूटने के बाद ही काम आती है? सही जवाब अंडा, जो टूटने के बाद ही काम आता है। सवाल नंबर 14 है, किस जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है?
सही जवाब दरियाई घोड़े का। सवाल नंबर 15 है, मगरमच्छ के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? सही जवाब 82 दांत। सवाल नंबर 16 है, ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको पता है इसका जवाब कि कहां पर सिनेमा घर नहीं है तो आप कमेंट में जरूर बताना। सही जवाब हो जाएगा भूटान देश में। सवाल नंबर 17 है, पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा राजकीय जनरक्षक। सवाल नंबर 18 है, ऐसी क्या चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? सही जवाब अंडा। सवाल नंबर 19 है, कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त हुआ था? सही जवाब हो जाएगा भारत के गोलकुंडा की खान से। सवाल नंबर 20 है, ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? सही जवाब हो जाएगा भालू, जो आदमियों की तरह रोता है। सवाल नंबर 21 है, जियो किस देश की कंपनी है? सही जवाब भारत देश की। सवाल नंबर 22 है, हमारे भारत देश का तिरंगा झंडा किसने बनाया था? सही जवाब पिगली पकैया ने। सवाल नंबर 23 है, मनुष्य के दिमाग में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सही जवाब 29 हड्डियां। सवाल नंबर 24 है, ऐसा कौन सा फल है जो अंदर से खाली होता है? सही जवाब हो जाएगा नारियल और पपीता। सवाल नंबर 25 है, किन दो संख्याओं को आपस में गुना करने पर उत्तर 13 आता है? दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको जवाब पहले से पता है इसका तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सही जवाब हो जाएगा 13 गुना 1 बराबर 13, तो शेयर जरूर कर दें वीडियो को।